हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सवेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद कुरैशी। आज आया हुआ अपने पास 20 इंच वीडियोकॉन का टीवी। इसमें पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है दोस्तों। इसका अपन ने बैक कवर खोल लिया हुआ है। चलो देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। बने रहे मेरे वीडियो के साथ में दोस्तों। इसका बैक कवर अपन ने खोल चुके हैं और खोलने के बाद में यहाँ पर जो इसका पीस पहले उड़ा हुआ है दोस्तों इसका फ्यूज जो आप देख पा रहे हैं पूरा जल चुका है। इससे बाहर निकाल लेंगे और इसके जगह दोस्तों नया फ्यूज ले लेंगे। ये है दोस्तों 4 एम्पेयर का फ्यूज। इसमें से फ्यूज नया ले लेंगे। इस प्रकार रहता है दोस्तों फ्यूज। दोस्तों फ्यूज बिठा लेंगे पहले इसका, और फ्यूज़ बिठाने के बाद इसकी सप्लाई जो है सीरियस में डाल कर देखेंगे कि क्या करता है दोस्तों ये। अब ये इसका पावर बटन बंद है दोस्तों। अपन ने सीरियस में डाल दिए दोस्तों, तो अभी इधर से पावर चालू कर देंगे बटन पे से दोस्तों। इधर अब पावर चालू के बाद में पावर सप्लाई फुल शॉर्टिंग है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ ग्लो नहीं कर रहा है, ना इसके अंदर लाइट भी नहीं आ रहा दोस्तों। देखो दोस्तों, लाइट भी नहीं बता रहा दोस्तों। ये पावर सप्लाई डैमेज हो गया दोस्तों इसको। चलो सप्लाई निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में सप्लाई निकाल लेंगे दोस्तों, और स्पीकर जॉक भी निकाल लेंगे इसका। चलो चेक करेंगे इसमें कहाँ शॉर्टिंग है और कहाँ नहीं। पहले कैपेसिटर का करंट होगा तो शॉर्ट कर लेंगे दोस्तों। नहीं, कुछ भी नहीं दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों मल्टीमीटर को बजर लाइन पर ले लेंगे। बजर लाइन पर ले लिए अपने, और मल्टीमीटर को यहाँ रख दिए। चेक करेंगे कि शॉर्टिंग कहाँ बता रहा है दोस्तों। ये उसके आए डावेट, डावेट पे नहीं बता रहा दोस्तों, डावेट पे नहीं बता रहा। ये कैपेसिटर पे शॉर्ट बता रहा। चलो ये ट्रांजिस्टर के भाग पे आ गए अपन। ये शॉर्टिंग बता रहा दोस्तों। सबसे पहले अपने को ये जो ट्रांजिस्टर होता है अपना बड़ा वाला, इसका ट्रांजिस्टर ये वाला, इससे पहले बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। फिर देखेंगे सीरियस में डालने के बाद अपनी शॉर्टिंग बंद तो नहीं हुई, शॉर्ट सर्किट बता रहा है कि नहीं बता रहा। चलो दोस्तों इसको अब पहले बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ट्रांजिस्टर अपन ने निकाल लिया दोस्तों उसकी जगह का। ये देखो अभी दोस्तों इसको चेक कर लेंगे बजर पे लगा के। शॉर्ट है दोस्तों ये, फुल शॉर्टिंग है। सीरियस सप्लाई डाल कर देखेंगे दोस्तों। सीरियस सप्लाई में भी दोस्तों फॉल्ट क्लियर हो चुका है, और अब अपने कंडीशनर में करंट सेव होगा दोस्तों। करंट शॉर्ट कर लेंगे। बार डबार से डाल लेंगे दोस्तों। दोस्तों लाइट नहीं आ रहा अपना सीरियस लाइट। कंडीशनर में करंट सेव हो गए। इसको ड्रॉ से शॉर्टिंग कर लेंगे दोस्तों। ये दोस्तों शॉर्ट हो गए। अब यहाँ चेक करेंगे दोस्तों सप्लाई बराबर जा रही है।
दोस्तों से यहाँ पर भी बार-बार आ रहा है। और दोस्तों करंट शॉर्ट कर लेंगे एक बार और दोबारा। ये देखो दोस्तों, इसके जगह दूसरा ट्रांजिस्टर यूज़ कर लेंगे दोस्तों। ये नंबर है अपना 44C4460। इसको खोलेंगे दोस्तों, सप्लाई में से पिन भी निकाल लिए दोस्तों, और इसके जगह नया ट्रांजिस्टर डाल के देख लेंगे दोस्तों। इसको बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। दोस्तों इसकी जगह डालेंगे अपन ट्रांजिस्टर 23-10 ट्रांजिस्टर डालेंगे दोस्तों। ये बिठा देंगे उसकी जगह दोस्तों, और अच्छे से टाइट कर लेंगे उसे, और इसको भी लोबन लगा लेंगे। चलो दोस्तों इसको बिठा लेंगे, ट्रांजिस्टर को इस प्रकार बिठा लेंगे। चलो दोस्तों इसको बिठा लेंगे। ट्रैक को अच्छे टाक मार लेने के दोस्तों, यहाँ से ये ट्रैक उकर चुका है, यहाँ से ये ट्रैक अपना यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे दोस्तों। इस प्रकार ये ट्रैक टूट चुका है दोस्तों, देखो आप पा रहे ये टूट चुका है। 110-27 यहाँ पर, यहाँ पर 110 बनता है दोस्तों। अब सप्लाई डाल कर देखेंगे दोस्तों, सीरियसली डाल के देखेंगे दोस्तों। इधर लाइट आ चुका है, अपन इधर शॉर्टिंग बता रहा है दोस्तों पावर सप्लाई में। आप देख पा रहे हैं ये लाइट आ रहा है इधर, ये लाइट आने को नहीं होना दोस्तों। और ये लाइट जो अपना ग्लो कर रहा है, पावर सप्लाई में कुछ ना कुछ दिक्कत है अभी दोस्तों। दोस्तों अभी इसके अंदर का जो पहले सप्लाई में से पिन निकाल लेंगे दोस्तों, और एक बार कंडेंसर का करंट शॉर्ट कर लेंगे दोस्तों। करंट शॉर्ट कर लिए दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले अभी ये जो एक पीएफ है दोस्तों, ये वाला ये पूरा ख़राब हो चुका है, पहले ये बदल लेंगे दोस्तों, फिर आगे देखेंगे दोस्तों। दोस्तों देखो ये जो पीएफ है ये पूरा फट चुका है, जो ये एक 110 सप्लाई बनता है यहाँ का है। तो अपन ये पीएफ दूसरी जगह निकाल कर डालेंगे दोस्तों। दोस्तों ये जो इस प्रकार ये डाल देंगे दोस्तों, नंबर सेम सेम ही चेंज दोस्तों के दोस्तों, ये बिठा देंगे वहाँ पर दोस्तों, ये पीएफ बिठा देंगे अपन यहाँ पर। दोस्तों पीएफ बिठा दिया तुमने वाला दोस्तों,
दोस्तों देखेंगे कि अपना पॉट क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों। सीरियस में डाल देंगे दोस्तों, फिर भी वही प्रॉब्लम आ रहा दोस्तों। आप देख पा रहे इधर भी लाइट आ रहा और इधर जो अपना लाइट आ रहा थोड़ा सा दोस्तों, इससे सप्लाई में से निकालने बाद इसके और करंट शॉर्ट कर लेंगे दोस्तों। और जो ये ट्रांसटर आता है दोस्तों अपना, ये निकाल देंगे बाहर। दोस्तों ये C38 38 07 38 07 ये बदल कर देखेंगे दोस्तों ट्रांजिस्टर। ये जो थोड़ा सा शॉर्टिंग होने की वजह से ख़राब हो जाता है दोस्तों। दोस्तों ये नया वाला ट्रांजिस्टर ले ली और ये ख़राब दोस्तों, इसको इस प्रकार जो इसका भाग है इस प्रकार होना दोस्तों, इस प्रकार यानी इस स्ट्रिंग के पट्टी तरफ जैसा इस प्रकार दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे दोस्तों उसको। चलो दोस्तों सप्लाई डाल कर देखेंगे एक बार। दोस्तों अब पावर सप्लाई क्लियर हो चुका है, ये देखो अब ये लाइट आ रहा नहीं इतना सीरियस लाइट, ये देखो दोस्तों सीरियस लाइट नहीं आ रहा है। और यहाँ पर भी जो आप देख पा रहे ये देखो दोस्तों, अब यहाँ पर वोल्ट चेक कर लेंगे अपन दोस्तों मल्टीमीटर पे। 110 बंद रहे क्या अपने बराबर मल्टीमीटर को, 200 इस पर ले लेंगे दोस्तों। और एक ग्राउंड दे देंगे दोस्तों, ग्राउंड अर्थिंग यहाँ दे दिया ग्राउंड अर्थिंग मैंने। और अपना जो है ये आया भाग दोस्तों, जो भाग आया भाई ये देखो दोस्तों, बटन प्रेस करके देखेंगे दोस्तों। दोस्तों बराबर 110 115 वोल्ट बन रहा है, अपना पावर सप्लाई क्लियर हो चुका है दोस्तों। और जो ये ट्रैक है अपना दोस्तों कंडीशनर का, एक बार करंट शॉर्ट करके डिफ्यूज हो रहा है। और जो ये ओपन करा हुआ है दोस्तों, ये इस पर अपनी करंट तैयार हो रहा है, एक बार इस पर भी चेक करके बता देंगे दोस्तों, एक बार इस पर भी चेक करके बता देंगे। ये ग्राउंड दे देंगे अर्थिंग को दोस्तों। और सप्लाई डाल देंगे दोस्तों, सप्लाई डाल दी गई, इसका लाइट आ चुका है दोस्तों। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, यहाँ पर देखो दोस्तों दोस्तों ये देखो 112 115 वोल्ट तैयार हो रहा अपना, जो इस पर ये देखो दोस्तों। ये दोस्तों बटन प्रेस करने के बाद में अब इसे अपन पॉइंट को अंदर डाल देंगे दोस्तों, और अपना टीवी स्टार्ट होता है ये देखेंगे दोस्तों। सप्लाई में से पिन निकाल लेंगे दोस्तों और ये पॉइंट वापस दोबारा यहाँ ही डाल लेंगे, डाल दीजिए दोस्तों। और इसको सोल्डरिंग कर लेंगे, ये जो पॉइंट आया दोस्तों यहाँ पर आया, यहाँ पर ये वाला,
दोस्तों आगे इसके और प्रॉब्लम है, जो ये स्टेयर है ये भी शॉर्ट लगता है। जो ये ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये मल्टीमीटर की कॉन्टिन्यूटी बाजार पे ले लिए, और दोस्तों ये भी ट्रांजिस्टर का ख़राब है जो स्टिक के पास का है। दोस्तों ये भी ट्रांजिस्टर ख़राब है इसका, ये निकाल लेंगे बाहर दोस्तों, क्योंकि सप्लाई ड्रॉप कर रहा है, पावर सप्लाई की सप्लाई ड्रॉप कर रहा है, पहले इसको निकाल लेंगे बाहर। तो निकल चुका है अपना बाहर यहाँ स्टिक के पास का दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर यहाँ का निकल चुका है। इसकी जगह नया ट्रांजिस्टर डाल देंगे दोस्तों। दोस्तों इसको चेक कर लेंगे पहले, बाजार के लिए है दोस्तों, फुल शॉर्टिंग है दोस्तों। इसकी जगह ये नया ट्रांजिस्टर डाल देंगे दोस्तों, 1803 डाल देंगे डी, ये निकाल लेंगे दोस्तों इसमें से। और इसके जगह ये उठा दिए चलो दोस्तों, ट्रांजिस्टर को फिट कर लेंगे। इसके जगह ये ट्रांजिस्टर की जगह दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर चलता है इन ओरिजिनल में दोस्तों। चलो यहाँ पर इस प्रकार फिट कर लेंगे दोस्तों उसको, ये ट्रांजिस्टर के बाद इसकी तरफ मूव है इसका, जैसे सर्किट साफ कर लेंगे दोस्तों। तीनों ट्रैक को हिसाब से जोड़ लेने का दोस्तों, कुछ सप्लाई डाल के देखेंगे दोस्तों। दोस्तों बराबर आ रही, अपना टीवी चालू हो चुका है, स्क्रीन आए क्या देखेंगे दोस्तों। दोस्तों स्क्रीन आ चुका है, आप देख पा रहे दोस्तों, मैं सामने से बताता हूँ आपको ना, अपना टीवी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। दोस्तों पावर सप्लाई क्लियर हो चुका है दोस्तों अपना।